हेलो गेमर्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जय शैडो गेमिंग में। गाइज, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोग टेकन 6 में बैक डोसन का डायनामाइट यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, बैक डोसन का डायनामाइट यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको बैक डोसन को लेना पड़ेगा। ये रहा हमारा बैक डोसन। 1P 2P दो चाव ले सकता हूँ मैं। 1P ले रहा हूँ, ठीक है। 1P लेने के बाद आपको एक ही ऑप्शन में आना है, हेड में, ठीक है। हेड में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, बंदाना। ये जो है बंदाना दिख रहा है इसके नीचे, बैरेट। ये बैरेट ही आपको लेना है। इस बैरेट में पता नहीं क्या इसी की वजह से ये वो अपना डायनामाइट यूज़ करता है। इस बैरेट को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये जो बैरेट है यही आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग वो डायनामाइट यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपको डायनामाइट यूज़ करना है तो ये बैरेट आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बैरेट हमने ले लिया है। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ ये यूज़ कैसे करता है। तो नॉर्मली ये जो डायनामाइट अपना चलाता है बॉक्स, ट्रैंगल और एक्स है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है इसकी रेंज, ठीक है। हमने यहाँ से मारा, देखिए स्क्रीन के बाहर चला गया। ये देखिए दोबारा करता हूँ, बॉक्स, ट्रैंगल, एक्स हमें मारना और ये अपनी डायनामाइट को यूज़ करता है, लेकिन प्रॉब्लम की बात इसकी रेंज। तो पीछे आ जाते हैं, ठीक है। पीछे जाने के बाद हम यहाँ से इसको मारेंगे और ये देखिए यहाँ पे इसको लग गया। लेकिन अगर रेंज थोड़ा सा भी दूर होता है ना तो उसको डैमेज नहीं लगेगा, क्योंकि इसका डैमेज बहुत कम है। इसका डैमेज है सिर्फ 13। और गाइस, अगर आपको एनिमी को लाइव गेम प्ले में मारना है तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। आपको थोड़ी सेटिंग में हेरफेर करनी है। आपको एल बटन में आरपी सेट करना पड़ेगा और आर बटन में एलपी प्लस एलके, ठीक है। सेट कैसे करना है, इस बटन को होल्ड करना है एल को, और उसके बाद यहाँ आगे पीछे करते करते आपको आगे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आरपी सेट कर लेना और आर बटन को होल्ड करते हुए आपको यहाँ पे अलग अलग करता रहना, मतलब आगे आगे आना है। और उसके बाद यहाँ पे एलपी प्लस एलके सेट कर लेना, ठीक है। और नॉर्मली यहाँ से एग्जिट कर देना, ये आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसे करने से आप एल आर एक साथ दबाओगे तो डायनामाइट बहुत इजीली फेंक देगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया क्लियर। और इसे करने के बाद हमें जो लाइव गेम प्ले में एनिमी को कैसे मारना है वो बताता हूँ। एनिमी को पहले दूर फेंकना पड़ेगा, तब जाकर ये काम करेगा। सबसे पहले आपको एक्स ओ मार के एनिमी को दूर फेंकना है, जल्दी से एल आर दबा के उसके ऊपर ये डायनामाइट फेंकना है, ठीक है। और गाइस, इस मूव को कैसे करना है बहुत ही आसानी से समझाने के लिए मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्स और ओ को बहुत ही जल्दी एक साथ दबाना है, जिससे कि दो किक मार के एनिमी को दूर फेंकेगा। और उसी वक्त जैसे एनिमी दूर जाएगा जल्दी से जल्दी एल आर दबाना, तो ये डायनामाइट हाथ में ले लेगा। और उसके उठने से पहले या उसके उठने के वक्त ये डायनामाइट को फेंकेगा और उसको ये डायनामाइट लग जाएगा। इसके चांसेस है, मतलब लगने के काफ़ी कम चांसेस है, लेकिन बाई चांस कभी कभार लग जाता है, ठीक है। तो ये पहला मूव है। दूसरा एक और मूव है, उसे भी आपको दिखाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सामने एक्स हो, इन तीनों बटन को एक साथ दबाना है, जिस तरह से ये लात मार के एनिमी को फेंक देगा। और इसी वक्त हमें एल आर दबाना है और ये अपनी डायनामाइट को निकाल कर फेंक देगा। तो यही दो मूव है जिसकी मदद से आप लोग इस डायनामाइट को एनिमी पे फेंक सकते हो और उसे डैमेज दे सकते हो। लेकिन इसका ज़्यादा डैमेज नहीं है और ये मैक्सिमम टाइम फेल होता है, बहुत ही कम टाइम में एनिमी को लगता है। तो जैसे कि देखिए, मैं भी लाइव गेम प्ले में इसको यूज़ कर रहा हूँ इस डायनामाइट को। ये देखिए, मैंने एनिमी को दूर फेंक दिया दो लात मार कर, और यहाँ पे मैं डायनामाइट फेंक रहा हूँ, लेकिन इसकी रेंज और इसके एंगल की वजह से ये गलत डायरेक्शन में गिर चुका है और यहाँ पर ये एक्सप्लोड कर चुका है। एनिमी को कुछ भी नहीं हुआ और इसने मुझे ही यहाँ कर धप्पा कर दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तो गेम का ही पता नहीं क्या ग्लिच था। यहाँ पर इसको ये मूव लगना चाहिए था क्योंकि पूरा पास से गुजरा था, लेकिन इसको भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मैं डायनामाइट हाथ में निकालता और ये मुझे बीच ही बीच रोक लेता है, मतलब पटाखा हाथ में ही फट जाता है, ठीक है। लेकिन सब समय आपका मूव फेल होगा ऐसी कोई बात नहीं, आपका मूव कभी कभार लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं इस मीगल को मार रहा हूँ और ये मैंने डायनामाइट फेंका और ये इसको लग गया। लेकिन एनिमी का क्या है ना, वो एंगल पर रहना चाहिए और वो खड़ा रहना चाहिए, तब जाकर ही ये डायनामाइट का जो असर है उसको होगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए कितना कम एच पी था फिर भी ये नहीं मरा। और यहाँ पर देखिए, ये वाला मूव अगर होगा तो उसको 100% लगेगा। क्या बोला था आपको समझ में नहीं आया, ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने उसको दूर फेंका और ये रोल करते हुए, बैक रोल करते हुए अगर उठेगा ना, तो उसका आने में टाइम लगेगा। और तब तक आपका जो डायनामाइट उसके पास पहुंच जाएगा, जब तक वो आएगा आपका डायनामाइट का जो एक्सप्लोजन है उसके ऊपर होगा ही होगा, ये 100% चांस आपका रहेगा, ठीक है। तो ये डायनामाइट इसी तरह से काम करता है। तो आई होप गाइस सबको समझ में आ गया होगा इस डायनामाइट को कैसे यूज़ करने से। यूज़ करना आसान तो है, लेकिन एनिमी को लगना थोड़ा सा मुश्किल है और कभी कभार लग जाता है लग बाई चांस। तो बस आज की इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं, इसको यूज़ करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। हिंदी ट्यूटोरियल कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे इसे टेकन 6 के न्यू वेपन न्यू आइटम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिएगा अपना। इस गेम प्ले को देखिए, एंजॉय कीजिए। गुड बाय। Final round. Fight. You win. 연습이 부족하군.